हेलो स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इन द पोम आई एम लक्की आज हम कविता आई एम लक्की के अभ्यास का एक अंश को समझेंगे लेट स्टार्ट चलिए शुरू करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज कम्प्लीट लीज सेंटेंसेस हेयर बिलो इस टेबल पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड दे आर इनकम्प्लीट जो कि पूरे नहीं हैं हमको उनको भरना है सो so ये जो दीज सेंटेंसेस आर इनकम्प्लीट वी हैव टू कम्प्लीट दीज सेंटेंसेस सी एनिमल्स एंड एक्शंस अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई सो इन द पोयम पोयम में हमने पढ़ा है कि बटरफ्लाई क्या कर सकता है अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई न इन द सेम वे

सिमिलरली एन एलिफेंट डैश एलिफेंट क्या कर सकता है पोएम में क्या बताया एन एलिफेंट कैन रेस ट्रंक वो अपने ट्रंक को अपने सोन को ऊँचा उठा सकता है न डैश कैन हॉप हॉप मतलब छलॉँग मार सकता है जम्प कर सकता है कौन ऐसा कर सकता है वी हैव लर्न इन द पोय पोएम में हमने पढ़ा है Yes, a kangaroo can hop. Now here you, आप क्या कर सकते हैं You have to write I can dash whatever you can do. जो भी आप कर सकते हैं आपको यहाँ पे लिखना है Next part of the exercise are having some questions. कुछ questions हैं इस part में Let's see वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स आपको क्या लगता है जो बटरफ्लाई है वो अपने विंग्स को क्यों इतना पसंद करती है ये द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स बिकॉज दे आर कलरफुल क्योंकि वो रंग बिरंगे होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं इसीलिए बटरफ्लाई अपने पंखों को पसंद करती है सो so,

नेक्स्ट इज़ डू यू थिंक द फिश वॉज़ रियली हैप्पी टू बी इन द वॉटर आपको क्या लगता है जो फ़िश था वो पानी में उसको रहना बहुत ज़्यादा पसंद है वो पानी में जब रहता है तो वो बहुत खुश रहता है आपको क्या लगता है ऐसा होता है क्या हाँ यस द फ़िश वॉज़ रियली हैप्पी टू बी इन दाटर जो फिश था वाकई में उसको पानी में रहने से वो बहुत खुश रहता है वॉट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास अब कौन सी ऐसी लकी चीज़ें हैं जो आपके साथ हुआ है हुए हैं ना ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हमारे घटना हमारे लाइफ में होती हैं कि ऐसा लगता है अरे वाह हम तो बहुत लकी हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई होंगी आपके लाइफ में भी है ना तो व्हाट यू हैव टू डू अभी तो आप फ्रेंड्स को नहीं बता सकते या आप फ्रेंड्स को बता सकते हैं है ना कैसे यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स एंड यू कैन टॉक अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आप कौन कौन से चीज़ में लकी हैं नाउ आई हैव रिटन हेयर द आंसर्स यू कैन सी अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई अ माइना कैन सिंग अ फिश कैन रिगिल एन एलिफेंट कैन रेज ट्रंक अ कैंग नाउ हियर आई कैन डैश डैश इज हियर सो यू हैव टू राइट वॉट यू कैन डू आप क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है ना क्वेश्चन एंड आंसर्स Why do you think the butterfly likes its wings? Butterfly likes its wings because they are colorful. What can the minor do? The minor can sing. What can you do? Sing, paint, write, or anything else?